यूएपीए स्पेशल कोर्ट डोडा ने किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को उद्घोषित अपराधी घोषित किया है, जिसके बाद पीओके में सक्रिय किश्तवाड़ के रहने वाले घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है। नमस्कार, मैं हूं रिया माला, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादी गतिविधियां संचालन करने वाले किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को यूएपीए कोर्ट डोडा द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने बताया कि जिले में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यूएपीए स्पेशल कोर्ट डोडा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें कोर्ट ने एक आधिकारिक घोषणा के माध्यम से पाकिस्तान और पीओके से आतंकवाद को संचालित कर रहे किश्तवाड़ आधारित 23 आतंकवादियों को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि यूएपीए स्पेशल कोर्ट डोडा द्वारा 13 आतंकवादियों को पहले ही घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद कुल 36 घोषित अपराधी हो गए हैं। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने कहा कि अगर सभी फरार आतंकवादी न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर कानून के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो संबंधित धाराओं के तहत उनकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। पर्पस दोहराने का यह है कि हमारे यहाँ जो 36 टेररिस्ट पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ 2 FIR लगी थी और 2 महीने पहले हमने उन 36 में से 13 को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया था जो UAPA कोर्ट स्पेशल डोडा में है वहाँ से, और बाकी जो 23 लोग थे उनकी प्रोसीडिंग शुरू की थी। सो इस सैटरडे को, डे बिफोर यस्टरडे, हमने 23 इंडिविजुअल्स जो टेररिस्ट हैं पीओके और पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों में, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 82 CRPC में डिक्लेयर करवाया। और ये डिक्लेयर जो करवाया गया, जैसे मंजूर उर्फ इनकलाबी, मंजूर अहमद, गुलाम मोहम्मद नज़ीर, शाहीन, शबीर, मोहम्मद आमीन, अगेन शबीर, गुलजार, गुलाम हसन, मोहम्मद शफी, देन वी हैव अब्दुल करीम गलाबू, फारूक अहमद, हनीफ, शाहनवाज, नईम, मोहम्मद इकबाल, शाहनवाज, जावेद, बशीर, गाजीउद्दीन, सतरुद्दीन, इम्तियाज, शबीर अहमद, मोहम्मद रफीक, मुजफ्फर अहमद, आज़ाद हुसैन, जो आज़ाद है ये बॉर्डर का। तो ये जो इंडिविजुअल्स की लिस्ट हम आपको फर्निश कर देंगे, इनके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास। 82 की प्रोसीडिंग्स में नाउ द कोर्ट हैज़ गिवन 1 month टाइम कि आप लोग कोर्ट में हाजिर हो जाइए, अदरवाइज फर्दर 83 की कार्रवाई में इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। तो ये जो 23 लोग हैं, इनमें से 12 की प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई कर ली, जो डिफरेंट मैनर से प्रॉपर्टी डिवाल्व हुई है। अगर ये नहीं हाजिर होते हैं स्टाइपुलेटेड टाइम में, इनके खिलाफ 83 की कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी अटैच करके ऑक्शन और फॉरफीचर होगा। जो पहले 13 थे, उनमें से 7 की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई, उसकी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में नियर कम्प्लीशन है, और होपफुली आफ्टर वेकेशन वो भी हम कर देंगे। तो हमारा पर्पज़ है कि ये जो हम आपको कोर्ट का आर्डर ऑफ डिक्लेयरिंग देम एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इसको अच्छे वाइडली सर्कुलेट करें, और हमारी डिफरेंट टीम्स बनाई गई हैं जो इनके घरों पे जाके, इनके मोहल्ले में जाके, इनके नंबरदार चौकीदार को साथ लेके फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे और मीडिया में भी लाएंगे, सो दैट ये खबर उन लोगों तक पहुँचे, सो दैट वो जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारी नॉलेज के हिसाब से पाकिस्तान से और पीओके के डिफरेंट जगहों से, दे शुड कम, जिस मीन से भी आना चाहते आए, अदरवाइज फर्दर उनके लिए आने वाला वक्त काफ़ी मुश्किल होगा। सर, सोर्स के हवाले से खबर ये थी कि वो जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं जो यहाँ से चले गए, उन्होंने यहाँ की पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, ये किस हद तक सही, उस पर क्या कहेंगे? पुलिस में तो मेरे सेटअप से करना चाहिए कम्युनिकेशन, बट मेरे साथ तो कोई नहीं हुई ऐसी, बट हाँ अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं या फ्रेंड सर्कल में कहीं कर रहे होंगे। विलफुली आना चाहता है कोई तो लेट देम कम, और उसमें जो प्रोसेस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो करेंगे, बट हाँ इट विल बी बेटर फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर फैमिली। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, और जम्मू कश्मीर की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।